अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। जेंटलमैन ड्रामे का टीज़र जो है ऑफिशियली आया है, बड़ा ही ज़बरदस्त टीज़र है और ऑफिशियली इसकी डेट भी अनाउंस हो गई है, जैसे कि मैंने आप लोगों से वीडियो में बताया था। तो जो टीज़र आया है वो देख के तो यार क्लियर रहमान साहब की क्या डायलॉग है, जिसमें यमुना सिद्दीकी कहती हैं कि एक लड़की जब मोहब्बत करती है तो मजबी फ्रीज़र समझ के करती है, और फिर इफ्रा का कि अगर मेरे बटाने से कोई पट जाता है तो फिर क्या मोहब्बत। यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डायलॉग हैं, मेरे पास तुम हो कि भी जिस तरह ज़बरदस्त डायलॉग थे। खलील रहमान के जो डायलॉग्स होते हैं वो उनके काफ़ी जो है डीप मीनिंग्स होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो ड्रामा होने जा रहा है ये, इसमें ऐसे लग रहा है कि मुन्ना की वन साइडेड मोहब्बत है, जरनाब उससे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि जरनाब फारिस से मोहब्बत करती है, लेकिन फारिस ने उसको छोड़ दिया इफ्रा के पीछे। तो ये ड्रामे की स्टोरी जो है ट्रायंगल लव स्टोरी लग रही है, और दिखाया है कि जरनाब जो है काफ़ी दुखी है, जो कल का टीज़र है उससे ये लग रहा है। अच्छा, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि हुमायूं सईद और यमुना सैदी की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि ऐसा ना हो कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है मीरा बर मुर्सिम यानी कि वहाज अली यमुना सैदी की केमिस्ट्री को पीछे ना छोड़ दें। और क्योंकि ऐसे दोनों ज़बरदस्त किस्म के एक्टर्स हैं और ऊपर से खलील रहमान के डायलॉग्स हैं, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो ये ड्रामा बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और मे भी ये जो है यूं आज की जोड़ी को थोड़ा सा जो है ख़तरा पड़ गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इनकी जोड़ी जो आगे निकल जाए। अगर आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में रिव्यू देखना है और जो है हर एपिसोड के टीज़र का रिव्यू देखना है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।